Hey there. Hi. This is Mithali. Hope you all are doing really well. I am really excited to take this video lecture today because ये मेरा पहला lecture है for class 10th. The good news for you all is कि 10th class 9th के comparison में बहुत आसान है. And trust me, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है. Now, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये chapter क्यों लिया अपना first lecture के लिए. तो लेट मी टेल यू, देर आर टू रीजंस टू इट. पहला तो एनवायरनमेंट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है. और दूसरा और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये फटाफट आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना. इससे आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाएगा कि आपने एक चैप्टर भी फिनिश कर लिया. आई रियली थिंक दैट यू ऑल मस्ट प्रिपेयर इट वेरी वेरी वेल एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद इट. ओके, नाउ जैसे कि मेरे बाकी सारे वीडियोस हैं, ये भी साइंस की एनसीईआरटी पे बेस्ड है. दिस इज चैप्टर नंबर 15 नेम्ड अवर एनवायरनमेंट. आई विल कवर ऑल द इनटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड वेरियस एक्टिविटीज जो कि आपके चैप्टर में दी गई है, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. ठीक है, बिफोर we start the chapter, let us just discuss the contents what are given in the chapter and what we will be discussing. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि what happens when we add waste to our environment. फिर हम डिस्कस करेंगे about ecosystems, उसके components क्या क्या है. We'll discuss food chains and food webs. And finally, we will discuss कि how do our activities affect the environment, जिसमें हम दो major प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. पहला है ओजोन लेयर और वो कैसे डिप्लीट हो रहा है, और सेकंड अबाउट मैनेजिंग द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट डिस्कसिंग व्हाट एनवायरनमेंट इज. नाउ अगर आप जाके डिक्शनरी में एनवायरनमेंट का डेफिनेशन सर्च करोगे तो इट विल से एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट. ठीक है, मतलब अपनी जो सराउंडिंग्स है, आप जहाँ रह रहे हो, आपकी जो भी सराउंडिंग्स है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अगर आप उसको यूनिट वाइज देखना चाहो तो जो भी आपकी सराउंडिंग्स है वो आपका एनवायरनमेंट है. अगर आप एज अ होल लेना चाहो तो अर्थ है, अर्थ में जो भी लोग रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो सब भी है, वो सब मिला के क्या कहलाएगा, हमारा एनवायरनमेंट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरियस फैक्टर्स इन विच द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड हाउ वी ह्यूमंस इंपैक्ट द एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ वो ये है कि जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि अपनी डेली एक्टिविटीज में हम बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वो वेस्ट जो है उसका होता क्या है, है ना. उस वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो जैसे कि हमने कहा कि हम बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं डेली. अगर आप सोचोगे तो पहला क्वेश्चन है कि क्या वेस्ट आप जनरेट करते हो. तो सपोज आप एक पेंसिल शार्प कर रहे हो, तो वो जो शार्प हुई पेंसिल है उससे वेस्ट जनरेट हुआ. आपके घर में, किचन में खाना बन रहा है, तो उस खाने में सपोज वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल पील हुई, तो वेजिटेबल का पील वेस्ट हुआ, है ना. आपके पुराने कपड़े, पुराने शूज या पुराना कोई मोबाइल फोन, ऐसी कोई भी चीज जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही फेंक देते हो. सो ऑल ऑफ इट कंस्टिट्यूट एज वेस्ट दैट यू जनरेट. वन ऑफ द एक्टिविटी इन द चैप्टर से कि आप देखो कि आप क्या क्या वेस्ट जनरेट करते हो घर में. ठीक है, अब आपने वेस्ट जनरेट किया तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस वेस्ट को थ्रो करने के बाद इस वेस्ट का होता क्या है, है ना. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एज अ सिटीजन भी आपको सोचना चाहिए कि इतना वेस्ट आप जनरेट करते हो, उस वेस्ट का क्या होता है. अगर आपने कभी इस बारे में थॉट नहीं दिया है, सर्च नहीं किया है, तो आई थिंक यू ऑल मस्ट गो एंड सर्च इट ऑन गूगल, है ना. तो जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगी. और इनडीड हम सबको वर्क करना चाहिए कि हम कम वेस्ट जनरेट करें. Now, if we have to answer the question कि what happens when we throw away the waste, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम वेस्ट को समझे कि क्या होता है. तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. पहला,
अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दूसरा अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ फर्स्ट वील डिफाइन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ ये नेम से ही पता चल रहा है, बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजिकली जो डिग्रेड हो सके. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन किए जा सके या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर सके, वैसा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरली वो वेस्ट होता है जो नेचुरली ऑकरिंग होता है, जैसे वेजिटेबल पील हो गया या पेपर कॉटन, है ना. ये सारा वेस्ट जो जनरली नेचुरली ऑकरिंग होता है वो बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आता है. ठीक है. नाउ वेस्ट तो वेस्ट है ना, बायोडिग्रेडेबल हो या नहीं हो. तो हर टाइप का वेस्ट एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है ना. तो इफ यू हैव टू से कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो दो तरीके हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी. पहला, तो अगर आपने कभी देखा हो कि वेजिटेबल वेस्ट जो है आपका किचन का वेस्ट है, अगर वो खुला पड़ा हो तो वहां पे काफी सारे फ्लाइज और मॉस्किटोज आ जाते हैं. तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दैट कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जो कि फर्दर कैरियर्स होते हैं अलग अलग डिजीजेस के, जैसे मलेरिया एक्सेट्रा. तो एक तरीका ये है जिससे वो इम्पैक्ट करता है. दूसरा एक और तरीका है जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इम्पैक्ट करता है एनवायरमेंट को, और वो है कि वो बहुत फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है ना. इट इज वेरी स्टिंजी, आप वहां स्टैंड नहीं कर सकते अगर वो बहुत ज्यादा वेस्ट है. तो इन अ वे इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन. सो दीज आर टू वेज दैट आई हैव डिस्कस्ड जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, है ना. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में. तो एनर्जी तो कोल भी जनरेट करता है, पर अगर हमने कोल खा लिया तो क्या हमारी बॉडी उस कोल को डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं ना. तो हाँ, होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रोब्स इन पे एक्ट करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं, पर जनरली कुछ ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसे बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं किया जा सकता. ये सब्सटेंसेस जनरली इनर्ट हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में काफी टाइम तक रह जाते हैं और ऑब्वियसली हमारे इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, पॉलिथिन हुई, जो हम जनरली यूज करते हैं, जो भले ही हमें कन्वीनियंट लगते हैं पर वो एक दो तीन साल नहीं, हजारों सालों तक हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है, एंड विच इज वेरी वेरी बैड. ठीक है. तो सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट कहोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो वो यही होता है कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, इसीलिए एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, है ना. जैसे प्लास्टिक है, अगर आपने उसको थ्रो किया वो हजारों सालों तक वहां रहेगी. हो सकता है काऊ खा ले, हो सकता है कि वो प्लास्टिक वाटर में चली जाए थ्रू रिवर्स देन टू द ओशन. आपने देखा ही होगा, बहुत न्यूज आते हैं कि कभी यू नो देर इज अ फिश डाइड और शार्क डाइड और वो मिली और उसके स्टमक में यू फाइंड सो मेनी प्लास्टिक, है ना. तो ऑल ऑफ दिस कॉज वेरी मच हार्म टू द इकोसिस्टम ऑफ आर एनवायरमेंट. प्लस ये माइक्रो पार्टिकल्स की तरह भी हमारे फूड चेन को इम्पैक्ट करती है, जो कि आप फर्दर अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है. ना आप ही के बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसके बारे में, जिसमें पूछा गया है बायोप्लास्टिक्स के बारे में, एंड दे हैव आस्क्ड यू टू सर्च अबाउट बायोप्लास्टिक्स, एंड आई विल ऑल्सो एनकरेज यू टू गो एंड सर्च अबाउट वॉट बायोप्लास्टिक्स इज. तो अगर आपने न्यूज पेपर्स में कभी सुना हो, न्यूज देखे हो, तो होगा कि आजकल इतने एडवांसमेंट है कि कुछ ऐसे मटेरियल आ गए हैं, कुछ ऐसी प्लास्टिक्स आ गई हैं जो कि डिग्रेड हो जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, है ना. अगर आपके घर में किचन वेस्ट थ्रो करने के लिए प्लास्टिक्स मंगाए जाते हो, प्लास्टिक बैग्स, तो आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स भी आते हैं आजकल. तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो जनरली रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, प्लांट वेस्ट, एनिमल्स या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और वो फिर
डिग्रेड हो सकते हैं बाद में, तो जनरली हमें वो यूज करने चाहिए, नॉट दी यूजुअल वंस जो सस्ते मिलते हैं मार्केट में जो कभी डिकम्पोज नहीं होते, है ना. नाउ सिंस दीज आर बायोडिग्रेडेबल, इनको हम बायोप्लास्टिक कहते हैं, और ये बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, या तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में उन्हें घोल सकते हैं, या बायोमास की तरह इसको यूज कर सकते हैं. आई थिंक यू ऑल मस्ट गो एंड सर्च अबाउट देम इन दी ओवर द इंटरनेट, यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ इट. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. तो इकोसिस्टम समझने के लिए लेट अस फर्स्ट रीड इट्स डेफिनेशन. तो इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत क्लियर भी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हुए, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और उनकी फिजिकल सराउंडिंग्स, है ना. फिजिकल सराउंडिंग्स में कुछ भी हो सकता है, क्या टेम्परेचर है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कहाँ रह रहे हैं, सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है. तो ये कोई भी एरिया जहाँ पे ये इंटरैक्शन हो रहा होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, उसको हम एनवायरमेंट, सॉरी उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है. तो इसको पुट अप करेंगे एक डेफिनेशन में, तो हम कह सकते हैं ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है. इसको क्लियरली समझने के लिए पहले हम इसके कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, एनीथिंग. और अबायोटिक कंपोनेंट्स फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ये सारे जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो अबायोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है. इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ अ गार्डन, ठीक है. जहां आप शाम को, सपोज एक गार्डन है आपके घर के पास, आप वहां खेलने जाते हो, या कहीं दूर भी है कोई गार्डन और आप वहां जाते हो, तो एक गार्डन में आप क्या देखते हो, देयर इज ग्रास, देयर आर डिफरेंट प्लांट्स, देयर आर ट्रीज, अलग 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 एज ग्रुप के ह्यूमन बींग्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए वहां आते हैं, वहां पे कुछ लोग खेल रहे होते हैं, कुछ बेंचेस पे बैठे हुए होते हैं, देर आर डिफरेंट इंसेक्ट्स, देर कैन बी डॉग्स, देर कैन बी कैट्स, ये सब अलग अलग टाइप के लोग या चीजें और फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एक स्पेस में. तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्पेस है गार्डन, दैट इज अ इकोसिस्टम, ठीक है. तो अगर हमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिफाइन करना है तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है. नाउ नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, ये सब नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है. गार्डन अभी हमने डिस्कस किया वो, या फिर कोई खेत है या एक्वेरियम है, ये सब कैसे इकोसिस्टम हुए, ये मैनमेड इकोसिस्टम है, ये हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ इसी इकोसिस्टम को एक एक्टिविटी भी है जो आपको क्लियर करेगी कॉन्सेप्ट. उस एक्टिविटी में कहा है कि आप एक इकोसिस्टम खुद डिजाइन करिए. तो फॉर योर हेल्प आई एम मेकिंग अ इकोसिस्टम ऑफ एक्वेरियम, ठीक है. तो अब आपको अगर एक्वेरियम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, एक वाटर टैंक, है ना. तो ये आया वाटर टैंक. वाटर टैंक कोई भी शेप का हो सकता है, उसमें पानी होना चाहिए, ऑब्वियसली फिशेस पानी में रहेंगे. तो फिर आपको कुछ ऑक्सीजन इनलेट लगाना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया. फिर आपको कुछ प्लांट्स लगेंगे जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, मैंने यहाँ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लगाए, थोड़े और लगा दिए, ठीक है. अब मैंने थोड़े पेबल्स डाल दिए, तो पेबल्स नॉन लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, पर मैंने अपने एक्वेरियम को बनाने के लिए ये डाले. फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने फिश डाली और एक और फिश डाली, तो ये मेरा बन गया एक्वेरियम. तो ये मैंने खुद से क्रिएट किया बाय यूजिंग वेरियस वेरियस थिंग्स लाइक एक्वेटिक प्लांट्स, द फिश, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेबल्स एंड फैक्टर्स लाइक पुटिंग ऑक्सीजन, जो कि बहुत जरूरी हो जाती है. नाउ उस एक्टिविटी में एक क्वेश्चन है कि क्या आपको ये एक्वेरियम एक बार बना दिया तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, या आपको उसको साफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा,
क्या आपको नेचुरली ऑकरिंग इकोसिस्टम जो होते हैं जैसे पॉन्ड्स या लेक, क्या उन्हें भी साफ करना होता है हमेशा या उनको नहीं साफ करना होता है? दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक यू ऑल मस्ट पॉन्डर, थिंक अबाउट एंड सर्च अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली हमें पता होगा कि क्या क्या होते हैं, फिर भी हम एक क्विकली डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. पहला टाइप होता है प्रोड्यूसर्स, देन आर कंज्यूमर्स, एंड थर्ड आर डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स एज द नेम सजेस्ट खुद का फूड जनरेट करते हैं या खुद का फूड वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी और पे नहीं डिपेंड करते, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. सारे ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से सनलाइट की हेल्प से अपना खुद का फूड जनरेट करते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. कुछ टाइप के ब्लू एल्गाए भी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. फूड बेसिकली जो एनर्जी में जनरेट होती है, जो हमें चाहिए होती है सारे काम करने के लिए, तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए. और थर्ड कैटेगरी होती है डीकम्पोजर्स, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डीकम्पोज करते हैं अपने वेस्ट को. बैक्टीरिया हो गए या फंगाई हो गए, ये सब डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं. नाउ जो कंज्यूमर्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड पैरासाइट. ठीक है, हर्बीवरस वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स या एनिमल्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, काउज हो गए, डियर हो गए, कैटरपिलर हो गए, है ना, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं. तो कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पे या फिर जो हर्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे लायन, स्नेक, फॉक्स, ये सब कार्निवोरस होते हैं. ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि हर्बीवोरस या जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स पे को भी अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे बियर्स, पिग्स, रेट्स, ये दोनों ही चीज कंज्यूम कर सकते हैं. और फोर्थ टाइप होता है पैरासाइट. पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पलते हैं, है ना, जैसे टेप वॉर्म्स हो गए, फ्लीज हो गए, ये टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं. तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमें ऑलरेडी पता भी है और जो अभी हमने डिस्कस कर लिए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट फूड चेन्स एंड फूड फूड वेब्स. नाउ इफ यू हैव टू डिफाइन फूड चेन, तो फूड चेन कुछ भी नहीं होता है, इट इज अ सीरीज या ऑर्गेनिज्म दैट आर टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स. तो जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फूड चेन इन नेचर. फर्स्ट वाला जो है, दिस इज फूड चेन ऑफ अ फॉरेस्ट, जहाँ पे हर्बीवोरस प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है और कार्निवोरस हर्बीवोरस पे फीड कर रहा है. तो प्लांट से हर्बीवोरस को एनर्जी मिलती है और हर्बीवोरस से कार्निवोरस को इन फॉर्म ऑफ फूड. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड थर्ड इज ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम. ठीक है, ग्रासलैंड में ग्रासेस को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है और स्नेक को ईगल खा लेता है. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ फूड चेन. हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर आर फूड रिक्वायरमेंट्स और फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, है ना. नाउ हर स्टेप या लेवल एक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल कहलाता है. ठीक है, तो पहला ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर्स का. ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स. ये क्या करते हैं? ये एनर्जी सनलाइट से लेते हैं और इन्हें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. तो प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स से ही दूसरे लेवल्स को एनर्जीज मिलती है. ठीक है, हमारा सेकेंड लेवल आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का. ठीक है, नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं. फिर आता है थर्ड लेवल, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि स्मॉल कार्निवोरस होते हैं. और फाइनली टर्शरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम कहते हैं लार्जर कार्निवोरस. ठीक है, जैसे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, इवन द ह्यूमंस, ये टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं. तो ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स हो गए. ठीक है, फूड चेन के.
नाउ हमें पता है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए. ठीक है, तो दस द इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर. और जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ही एनर्जी पूरे वर्ल्ड की सारी एक्टिविटीज सारी लिविंग वर्ल्ड की एक्टिविटीज को प्रोड्यूसर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे मिलती है. ठीक है, वी मूव फर्दर टू एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. है ना, जो हमारे अभी अपन ने लेवल्स पढ़े प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड फर्दर, तो ये सारे जो है हर एक लेवल पे एनर्जी फ्लो होता है. ठीक है, नाउ ये एक डिफाइंड स्टेटमेंट है विच सेज दैट व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर सम एनर्जी इज लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट. और ये एनर्जी जो लॉस्ट होती है एनवायरमेंट में इट कैनॉट बी यूज अगेन. है ना, तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो वो एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है और वो एनर्जी वापस से यूज नहीं की जा सकती. तो अगर हम एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे तो ऑब्वियसली हर लेवल पे एनर्जी लॉस होती है और वो एनर्जी आप यूज नहीं कर सकते. तो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं. नाउ सिर्फ 1% ऑफ द सनलाइट ये कंज्यूम कर पाते हैं और इससे वो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ अब जब भी हमारे हर्बीवोरस हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो हमारे ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं तो ऑब्वियसली काफी एनर्जी लूज होती है एज हीट टू द एनवायरमेंट. कुछ एनर्जी डाइजेशन में जाती है, कुछ काम करने में जाती है, कुछ बाकी जो बची हुई है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में चली जाती है. तो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. ठीक है, तो एन एवरेज ऑफ ओनली 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. तो एक एवरेज ऑफ सिर्फ 10% जो एनर्जी है जो वो फूड कंज्यूम करता है हर्बीवोरस उसका 10% ही उसकी बॉडी में आता है और वो 10% ही कार्निवोरस को मिल पाता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. तो दिस 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. तो सिर्फ 10% ही एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिल पाती है नेक्स्ट लेवल को. ठीक है, तो हर्बीवोरस से कार्निवोरस के लिए 10% मिली, कार्निवोरस से नेक्स्ट या टॉप कार्निवोरस के लिए उसका 10% मिली और हर लेवल पे क्या हुआ मतलब एनर्जी लूज होती गई. तो इससे क्या होता है कि ज्यादा लेवल ऑफ टॉपिक लेवल्स नहीं हो पाते क्योंकि एनर्जी एट द एंड बहुत कम बचती है. ठीक है, तो सिंस लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 या 4 steps एंड द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स एट द 4th topic level. मतलब लास्ट लेवल में बहुत ही कम यूजेबल एनर्जी बचती है क्योंकि हर लेवल पे वो यूज होती गई है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इन जनरल हर लेवल पे मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं. तो देर आर ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम. मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं उस लेवल पे और ग्रेजुअली वो कम होते जाते हैं और टॉप कार्निवोरस तक जाते जाते बहुत ही कम इंडिविजुअल्स बचते हैं. ठीक है, नाउ अगर हमने एनर्जी फ्लो को देखा केयरफुली तो हमें पता चलता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल है. मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस. है ना, तो यूनिडायरेक्शनल है एनर्जी का फ्लो. और दूसरी बात ये कि जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स जो कैप्चर कर लेते हैं वो वापस से ही सोलर इनपुट नहीं बनती. मतलब एक डायरेक्शन में जाती है बट वो एनर्जी वापस से कन्वर्ट होके सोलर एनर्जी नहीं बन पाती. मतलब एक लेवल पे जो एनर्जी कंज्यूम हो गई वो दूसरे लेवल पे वापस नहीं आएगी. तो वी कैन से दैट एज एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल. तो एक लेवल पे जो एनर्जी मिली वो वहीं खत्म हो जाती है, उसके आगे वही एनर्जी नहीं मिलती है.
तो दीज आर दी टू थिंग्स दैट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड चेन. तो जैसे हमने पढ़ा कि हर लेवल पे मल्टीपल इंडिविजुअल से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और ऊपर जाते जाते क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो जाती है तो ऊपर जो टॉप कार्निवरस होते हैं वहाँ कम इंडिविजुअल्स बचते हैं. तो जनरली जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की वो बहुत वेरी करती है, और एवरी ऑर्गेनिज्म इन जनरल इज ईटन बाय टू और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो कि इन टर्न अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिन्हें कंज्यूम करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ फूड चेन, जो रिलेशनशिप होती है वो जनरली एक ब्रांचिंग लाइन से डिनोट कर सकते हो, जिसे आप फूड वेब कहते हो. ठीक है, तो एक फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन होते हैं, जो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा. फूड चेन एक सिंपल सा देखा था हमने फॉरेस्ट का, तो वो इतना सिंपल नहीं होता. हर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं दूसरे लेवल्स पे, है ना. तो, और ये जो इंटरकनेक्टिंग रिलेशनशिप होता है इसको हम फूड वेब कहते हैं. सो बेसिकली सीरीज ऑफ ब्रांचिंग फूड लाइन्स कैन बी कॉल्ड अ फूड वेब. और यहाँ आप देख रहे हो ऊपर टॉप कार्निवरस में एक ही बचता है, क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती है तो ऊपर कम इंडिविजुअल्स होते हैं और नीचे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स लेवल पे इंडिविजुअल्स होते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि समहाउ अनलोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर इन अ बॉडीज थ्रू फूड चेन. ठीक है, अब प्लांट से इन्होंने खाया, हर्बीवोरस ने हर्बीवोरस को, फिर कार्निवोरस ने खाया, ओमनिवोरस ने खाया, तो क्या होता है अनलोइंगली इस फूड चेन में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स एंटर हो जाते हैं जो हमारी बॉडीज में भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया एक एग्रीकल्चरल फील्ड, वहां पे क्रॉप्स ग्रो हुए, उन क्रॉप्स को बचाने के लिए आपको पता ही है कि पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, कुछ अलग केमिकल्स यूज होते हैं जो कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ ये सारे जो होते हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकल, आप कितना भी वॉश कर लो क्रॉप को या फिर कुछ भी कर लो, सॉइल में तो चले ही जाते हैं, वाटर बॉडीज में भी ड्रेन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्लांट्स इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एट द एंड हम कहीं ना कहीं उनको कंज्यूम कर लेते हैं. तो अनजाने ही सही काफी हार्मफुल केमिकल्स हमारे फूड चेन में एंटर हो जाते हैं. नाउ सिंस ये जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो है वो टॉप लेवल पे आते हैं किसी भी फूड चेन के, तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी बॉडी में ही होता है इन केमिकल्स का. तो एट द एंड ये सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ये जो फिनोमिना होता है इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो टॉप कार्निवोरस में आते हैं, तो एट द एंड क्योंकि हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा केमिकल एक्यूमुलेट होता है, एट द एंड सबसे ज्यादा कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारी बॉडीज में ही. तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं. सो दिस इज द रीजन वाई अ फूड ग्रेन सच एज वेज वीट है, राइस है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, मीट है, कुछ भी है, ये पेस्टिसाइड रेसिड्यू कंटेन करता ही है, और कितना भी आप वॉश कर लो वो जाता नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हमने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला तो फूड वेब क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि कैसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एट द एंड टॉप कार्निवोरस दैट इज ह्यूमन बींग्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ओके, सो हियर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. पहले के भी क्वेश्चंस थे जो मैंने साथ में स्लाइड्स में डिस्कस कर लिए हैं, ये हम स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट. ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल्स बेसिकली आर वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड टेक्स प्लेस, है ना. अलग अलग स्टेप्स जो एक फूड चेन में होते हैं जहां पे एनर्जी या फिर फूड का ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं. हमने एग्जांपल लिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, जो कि अभी मैंने डिस्कस भी किया. इसके अगर हमें ट्रॉपिक लेवल्स बनाने होंगे तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वुड बी ग्रास, फिर ग्रास कौन खाता है, इंसेक्ट्स, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वुड बी इंसेक्ट्स सपोज ग्रासहॉपर, देन ट्रॉपिक लेवल 3 आई हैव टेकन फ्रॉग्स जो कि इन ग्रासहॉपर्स पे फीड करते हैं,
देन फाइनली हियर यू कैन ऐड स्नेक्स ऑल्सो जो कि फ्रॉग को खाते हैं. मैंने डायरेक्टली ईगल यहाँ पे लिया है. सो दिस कैन बी ट्रॉपिक लेवल 4 जहाँ पे ये बर्ड और ईगल फ्रॉग को कंज्यूम करता है. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं. डीकम्पोजर्स बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे वेस्ट को, बायोलॉजिकल वेस्ट को. तो अगर वो डीके करते हैं, हेल्प करते हैं डीके करने में प्लांट्स और एनिमल्स को, तो ऑब्वियसली दे एक्ट एज अ क्लेंजिंग एजेंट. फर्स्ट दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल डीकम्पोज करके. थर्ड इज दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू लाइफ टू सेटल इन द बायोस्फीयर बाय डीकम्पोजिंग डेड रिमेन्स. है ना, जो डेड बॉडीज वगैरह है इन सबको, ये इन सब पे ये फीड करते हैं. तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं न्यू लाइफ फॉर्म के लिए. तो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में थे और आई हैव ट्राई टू आंसर. आप इसको डिफरेंटली भी आंसर कर सकते हो. यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट वेज इन विच यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे, हाउ डू अवर एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरमेंट. है ना, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती हैं. तो सिंस वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, चेंजेस इन एनवायरमेंट विल अफेक्ट अस एंड चेंजेस इन ऑफ आवर एक्टिविटी विल अफेक्ट द एनवायरमेंट अराउंड अस. है ना, बाय डायरेक्शनल है. एनवायरमेंट में चेंज हमें इम्पैक्ट करेगा, हम कुछ करते हैं तो वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, तो हम दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पे दी गई हुई है. पहला है इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड सेकेंड इज वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओजोन लेयर और कैसे ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. ठीक है, आपने न्यूज में काफी सुना होगा आजकल लॉकडाउन की वजह से ओजोन लेयर में काफी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी अभी फर्दर. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओजोन लेयर क्या है, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड हाउ इज इट गेटिंग डिप्लीटेड. ओके, तो ओजोन बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स को मिला के बनता है. ठीक है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज O2 एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बीइंग. है ना, हम ऑक्सीजन के बिना वी कांट सर्वाइव. तो ऑक्सीजन तो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हो जाते हैं तो देन इट फॉर्म्स O3 विच इज आवर ओजोन. है ना, नाउ ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. ओके, बट अगर हम एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पे जाते जाएं, अर्थ के बाहर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, तो इन द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स अ वेरी एसेंशियल फंक्शन एंड दैट एसेंशियल फंक्शन इज दैट इट शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. तो ओजोन लेयर बेसिकली एक शील्ड की तरह एक्ट करती है अर्थ के ऊपर जो कि हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा के रखती है. ठीक है, तो व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन, क्या इंपॉर्टेंस है ओजोन की, ये अभी हमने जान लिया. है ना, नाउ जो ये जो यूवी रेडिएशन है सन की, वी नो दैट दे आर वेरी डैमेजिंग, दे कैन इवन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग्स. तो उससे बचाना मतलब ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दी अर्थ. तो जो ओजोन हायर एटमोसफियर में जो ओजोन बनती है वो बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेज एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो हायर लेवल्स पे जो अपना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे एक्ट करती हैं और उधर से वो ओजोन क्रिएट करती हैं. ठीक है, द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम. कैसे, ऐसे. ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन है हायर एटमॉस्फेयर पे वो उस पे अपनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करती हैं और फ्री ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्रिएट करती हैं. और ये जब फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ओजोन क्रिएट करता है. ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ओजोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज हियर. एट हायर लेवल्स O2 इज रिएक्टेड अपॉन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि ऑक्सीजन के फ्री एटम्स क्रिएट करता है और वो फ्री एटम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें ओजोन मिलता है. एंड दिस ओजोन एट हायर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट
for the survival of human beings on earth because it protects us from harmful ultraviolet sun ki radiations. Okay. So now we are aware के ओजोन क्या है और कैसे ओजोन हमारी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है. पर 1980s में ऐसा देखा गया कि जो हमारा ओजोन का अमाउंट है एटमोसफेयर में वो काफी डिक्रीज हो गया, उसका अमाउंट काफी शार्पली डिक्रीज हुआ. फिर ऑब्वियसली दैट वॉज अ कंसर्न फॉर द रिसर्चर्स. देन तो उन्होंने सर्च किया एंड पता चला कि एक सिंथेटिक केमिकल दैट इज नेम्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से ये काफी डिक्रीज हो गया है ओजोन. नाउ ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये काफी यूज होता है एज रेफ्रिजरेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्पेसिफिकली एसीज. तो ये बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे एटमोसफियर के लिए, ओजोन लेयर के लिए. तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुई इसको हम ओजोन होल भी कहते हैं, जो कि एंटार्क्टिका के ऊपर काफी बड़ा होल है जो कि इज नॉट गुड फॉर अस. तो ऑब्वियसली इस पे कुछ तो करना था. तो 1987 पे में UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट फोर्ज किया जो एग्रीमेंट कहता है टू फ्रीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स. मतलब जब ये फाइंड आउट 87 में ये प्रोटोकॉल आया था तो उसके उस लेवल तक फ्रीज करना है, इससे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब वर्ल्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट बनाया जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है आज की डेट में. सो दिस इज नाउ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ. 16th September को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओजोन डे, ऑफकोर्स फॉर एज हमें फैलाना भी है दुनिया में, ये मैसेज भी देना है कि ओजोन एक होल है जिसे हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इट. सो 16th September को UN एनवायरमेंट ये वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करता है. वो जो कन्वेंशन साइन हुआ था उसको वियना कन्वेंशन कहते हैं. सो 32 इयर्स हो गए उस कन्वेंशन को पिछले साल और बहुत सक्सेसफुली वर्ल्ड ने वर्क किया है इस पे और वी हैव बीन एबल टू रिस्ट्रिक्ट द होल एंड नॉट एक्सपेंड फर्दर. आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज हैं, आई हैव फाउंड आउट सम हेडलाइंस जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है. फर्स्ट इज नॉर्थ पोल्स लार्जेस्ट एवर ओजोन होल फाइनली क्लोजेस. ये बहुत ही रिसेंट न्यूज है. एक फिनोमेना था कि ये जो ओजोन होल है वो नॉर्थ पोल के ऊपर भी आ गया था थोड़ा सा बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि बहुत ही कंसर्निंग था. पर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ये अभी अभी न्यूज आई है कि नॉर्थ पोल का जो नॉर्थ पोल के ऊपर जो ओजोन होल था वो फाइनली क्लोज हो गया है. जो सेकेंड होल जो मेजर होल है हमारे एंटार्क्टिका के ऊपर वो 2019 में सबसे स्मॉलेस्ट रहा. इट हैज बीन रिकॉर्ड सिंस इट्स डिस्कवरी विच इज वेरी वेरी गुड ऑफकोर्स. तो अभी रिसेंटली एक और एग्रीमेंट है, उसी में आगे एक एग्रीमेंट बना है एंड अगर ये दोनों साथ में काम करते रहे तो होपफुली वन डे दिस होल विल क्लोज एंड वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट बेटर. पर उसके लिए ऑफकोर्स हमको बहुत केयरफुल रहना है. एज फ्यूचर जनरेशन यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वर्क टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. ओके, सो नाउ वी कम टू द लास्ट topic of this chapter. It is about the second major problem which is managing the garbage that we produce. So improvement in our lifestyle has obviously resulted into greater amounts of waste material jo hum generate karte hain. Bhook lagi hai, ghar ka khana nahi khana hai, jaldi se swiggy open karo and we'll order food online. Ghar pe aaya khana, it comes in a packed plastic boxes. There are spoons, प्लास्टिक का स्पून होता है, डिस्पोजेबल होता है, टू ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं. तो हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हुई है कि हम इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट आजकल जनरेट करने लगे हैं. नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी, पुराने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, चार्जर्स, हेडफोन्स, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल हम जनरेट कर रहे हैं जो कि पहले जो हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर्स थे उनके एज में इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होता था जितना हमारे एज में होता है. नाउ ये जो हमारे एटीट्यूड्स में चेंज हुआ है उससे भी काफी डिस्पोजेबल चीजें हम यूज करते हैं जिससे और वेस्ट जनरेट होता है. जो पैकेजिंग होती है, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, इतना सारा पैकिंग आया, सो ऑल ऑफ दिस जो भी हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में वो सब
has resulted into more quantity of waste that we as humans produce, which is obviously not good. May it be biodegradable or non-biodegradable, waste to waste ही होता है, है ना? So obviously we all need to work towards managing the waste that we produce. We all need to work towards reducing the waste that we produce. तो वो कैसे कर सकते हैं? By obviously reducing, then reusing whatever we have and whatever we can, and then whatever can be recycled, we should recycle the waste. We should also adopt smart disposal methods of the waste that we generate. We should prepare composites from the biodegradable domestic waste and use it further, jo ki help karega waste ko reduce karne mein. So these are certain images that I have captured. These are additional just to tell you ke it is important that jo bhi waste aap generate karo usko segregate karo. There are different color codes for different types of waste. Aapne kafi societies mein bahar, indeed jab se Swachh Bharat abhiyan chala hai, there has been a lot of awareness and people have become very much aware of wasting, of you know, how to dispose the waste. You must continue segregate karo waste, dry, wet, electronic waste, sabko alag alag segregate karo. Aap nahi karoge to aage kisi aur ko karna hi padega. Aap karo to acha hai, hai na? Agar aap plastic disposals use karte ho to you must replace it to, you know, jo biodegradable alternatives hain, leaf ke plates hain, अब वो यूज करो. प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स या फिर पेपर बैग्स यूज करो, कुल्हड़ यूज करो या फिर पेपर कप्स यूज करो. इफ यू कैन एंड इफ यू कैन अफोर्ड यूज टूथब्रश जो कि वुडन स्टिक्स हो, जिनकी कॉम्ब्स यूज कर सकते हो जो वुडन हो, जिससे आप ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द प्लैनेट दैट यू लिव इन एंड डू गुड फॉर द प्लैनेट बाय यूजिंग डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना? जितना कम प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो उतना बेटर है, उतना कम वेस्ट आप रिड्यूस करोगे जो कि हार्मफुल रहेगा आपके एनवायरमेंट के लिए. ठीक है, एक्टिविटीज इन योर बुक, उस एक्टिविटीज में का एक क्वेश्चन था कि हाउ फाइंड आउट वेज इन विच द प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड. सो आई हैव फाउंड आउट एन इमेज फ्रॉम गूगल जहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं प्लास्टिक रिसाइकिल के. तो पहले तो आपने यूज की ये रहे प्लास्टिक, तो वो आपने कलेक्ट करी वेस्ट के लिए. फिर ये मैनुअल सॉर्टिंग होती है वेस्ट की, जिसमें कौन सा अलग अलग करते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, कौन सा पार्ट अलग अलग करते हैं, कौन सा पार्ट किस चीज के लिए यूज हो सकता है, वैसा सॉर्ट करते हैं. देन देयर इज बेलिंग डन, क्रश करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, उसके बाद रीजनरेट करते हैं उस प्लास्टिक को, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फाइनली एंड प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, ये जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होती है ना हमारी, उससे जो हमारा वेस्ट है उससे काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफी फॉर्च्यून कमाया है. दे हैव वर्कड ऑन दिस वेस्ट एंड मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी. जैसे वाबैक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रीयूज करती है वेस्ट वाटर को. अरोरा फाइबर्स है, दे डिस्कार्डेड प्लास्टिक को यूज करके वो पैकेजिंग मटेरियल बनाती है. देन हिंजर करके है जो कि सॉलिड वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करती है. देन सेरेब्रा करके है जो कि मेटल्स को, प्रेशियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करती है वेस्ट से, जो ई वेस्ट जनरेट करते हैं. सो काफी फॉर्च्यून भी जनरेट कर रहे हैं वेस्ट से आजकल. और जो हमारी प्लास्टिक फाइनली रिसाइकल होके जो हमें प्लास्टिक मिलती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है. आप उसको अलग अलग नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रॉम फर्नीचर टू ऑटोमोबाइल्स टू पैकेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन रिसाइकल एंड रीयूज स्टफ विच यू शुड ऑब्वियसली डू. सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी दैट वाज गिवन इन योर बुक. आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो सर्च मोर अबाउट इट, फाइंड आउट वेरियस वेज इन विच द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड. ओके, this completes our chapter here. Thank you so much for watching this video. I hope you could get something out of it and I could help you in some way or the other. Do like it, do leave your feedback, suggestion, any comment, anything that you want. Do share it if you find it useful and it can be used for anybody else. Subscribe to my channel to never miss any of the video updates that I'll be doing in the future. You can visit my website www.learningsutras.net, wherein
आई विल बी राइटिंग ब्लॉग्स वेयर आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑफ द चैप्टर एंड ऑल्सो द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. आई विल डिस्कस दोस. नाउ आई विल ऑल्सो डिस्कस द सॉल्यूशन इन द बुक्स, द क्वेश्चंस इन द बुक्स, एंड मे बी आई विल कम अप विद अ वीडियो सून ऑन दैट. और इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रोवाइड इट इन ब्लॉग्स ऑल्सो इन एनी वे दैट यू वॉन्ट. Please write to me at learningsutras@gmail.com. If you have any comment or any suggestion or anything that you want from me, you can write to me on my email. Thank you so much. Have a very good day. Stay safe. Take care. Bye-bye.